बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरा फीडबैक लेने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने माननीय विधायकों के साथ पूर्व प्रत्याशी जो हराए गए हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जेल से आने के बाद राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज अपने विधायकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने वाले हैं और अब इसी मीटिंग को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि इस मीटिंग में बिहार में हो रही समस्याओं पर बात की जाएगी। जिस तरह से इस वक्त बिहार में लगातार बेड की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उन सभी मुद्दे पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव मीटिंग करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वक्त बिहार की व्यवस्था को किस तरह से सुधारा जाए, किस तरह से आरजेडी के विधायक बिहार के जनता के लिए काम करेंगे, इन सभी मुद्दे पर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों को सलाह देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि किस तरह से इस कमी को, इस समस्या को दूर किया जा सकता है। क्या कुछ कहा है मृत्युंजय तिवारी ने, छोड़े जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ। बिहार में जिस तरह से कोरोना बेकाबू है, चारों ओर हाहाकार है, बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। डबल इंजन की सरकार ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। इन्हीं सब बातों को लेकर के पूरा फीडबैक लेने के लिए आज नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी अपने माननीय विधायकों के साथ पूर्व प्रत्याशी जो हराए गए हैं उनके साथ एक वर्चुअल बैठक करेंगे। अपने नेताओं को निर्देशित करेंगे किस तरह से अभी जनता की सेवा की जाए, लोगों को मदद पहुंचाई जाए, क्या फीडबैक है, क्या हालात हैं, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं एम्बुलेंस छुपा कर रखा गया है, कोई ऑक्सीजन छुपा कर रखा है। ये डबल इंजन की सरकार का पोल खुल चुका है। अब एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते राजद अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे इस आपदा के समय, महामारी के समय मदद पहुंचाई जाए, इसके लिए आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी वर्चुअल मीटिंग करेंगे, फीडबैक भी लेंगे और निर्देशित भी करेंगे, सलाह भी देंगे कि किस तरह लोगों की मदद की जाए।